सो दिस इज नेतरहाट, ओनली वन हिल स्टेशन इन झारखंड, जिसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं। नेतरहाट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पर इस सीरीज में हम कुछ डिफरेंट नेतरहाट देखेंगे और वादा है मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि हमने जंस्कार वाला रास्ता झारखंड में खोज लिया है और ऐसा रास्ता जो जंस्कार को याद दिला दे अभी भी कम टू झारखंड। पर एक प्रॉब्लम है, मेरे पूरे सीरीज में सिर्फ पहला फुटेज छोड़ के और लास्ट डे का मेरे गोप्रो में आवाज़ ही नहीं आया, बहुत दिक्कत है सच में। वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलैंड शानू जन, सबको सलाम नमस्ते जोहार सो क्या हालचाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। देखो लास्ट दो तीन वीडियो से तो आप लोग, मैं वीडियो यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ मैकोन गेट के पास से, क्या करूँ यहीं से निकलता हूँ तो अभी फ़िलहाल के लिए। सो अभी देखो मैं जा रहा हूँ, अभी नया टोली जा रहा हूँ, रांची में हूँ मैं अभी, एक मेरा कज़न भाई है उसको लेने एज ए पिलियन राइडर, वो बैठेगा मेरे साथ। चलो पहुँचते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। सो देखो फाइनली हम 11:30 बजे निकले हैं, अभी हम पहुँचे कडरू, अभी आगे से हम तेल लेंगे। थोड़ा सा अभी निकलते निकलते थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है। देखो हम रांची से निकले और देखो मौसम है कि पूरा ख़राब हो गया है। अभी कुछ देर पहले एकदम भयानक वाला गर्मी था और बूंदा बूंदी हो भी रहा है। अरे यार बारिश तो तेज हो गया। सो यहाँ से मेरा गोप्रो का ऑडियो हो जाता है फ्यूज़। सो हम पहुँचते हैं अलगोड़ा चौक, यहाँ देख सकते हो कि बहुत भयानक वाला बारिश हुआ, आधा घंटा वेट करने के बाद फिर लेट हो रहा था, तो इसका चलते हम रेनकोट पहन लेते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं कटहल मोड़, कटहल मोड़ से फिर हम पकड़ते हैं गुमला वाला रास्ता। और यहाँ पर मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि बारिश देख सकते हो किस प्रकार से आई, पूरा एकदम जो लुकिंग ग्लास है सामने, वाइज़र है, इस सब में पूरा पानी अभी भी पूरा है। जब हम कटहल मोड़ से आगे पार करते हैं तो इधर देखते हैं कि इधर बारिश ही नहीं हुई, इधर एकदम सूखा। कुछ देर पहले मैंने बोला था कि मेरा मूड ख़राब हो गया है, तो मूड ख़राब का तात्पर्य इससे था कि हम लोग सुबह निकलने वाले थे 6 बजे या 7 बजे, हार्डली रांची छोड़ देने वाले होते, लेकिन हम लोग का टाइम हो जाता है 11:30, 11:30, 12 बज जाता है, वो कुछ लोगों के वजह से लेट हो जाता है। हम लोग का प्लानिंग होता है कि हम लोग टोटल 6 लोग जाएंगे, तो 2 लोग ऑलरेडी सुबह 10 बजे बेड़ो पहुंच गए हैं, वो लोग वहां पर वेट कर रहा है, और बाकी 2 लोग मैं और मेरा कज़न भाई और बाकी जो 2 थे उन 2 लोगों का कोई अता पता नहीं। हाँ इसलिए हम लोग का जो प्लानिंग रहता है सुबह 6 से 7 निकल जाने का प्लानिंग रहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लेट हो जाता है, तो हम 11:30, 11 और ये बारिश की वजह से और रुक गए, तो हम लगभग 12 बजे ऑलमोस्ट कटहल मोड़ से निकलते हैं। 3 साल के बाद नेतरहाट जा रहा हूँ, सो देखते हैं इस बार क्या क्या कवर कर पाते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला नया नया प्लेसेस, नया नया वाटरफॉल, तो हम लोग उस सब को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सो ये जो आप लोग देख रहे हो ये है मेरा कज़न भाई है जिसको मैं लेने गया था, राहुल नाम है इसका। सो अभी 1-2-3 दिन आप लोग को यही दिखेगा मेरे साथ एज ए पिलियन राइडर, यही है मेरे साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को झारखंड के हरे भरे खेत दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो ग्रीन ग्रीन कितना अच्छे लग रहे हैं खेत, जो धान लगे हुए हैं इसमें धान की खेती की गई है। सो रांची से नेतरहाट का जो दूरी है 150 किलोमीटर है। जब आप रांची से नेतरहाट जाते हो तो 2-3 रास्ता आप जिधर से जा सकते हो, पहला रास्ता है कि आप मांडर कुड़ू होते हुए जा सकते हो, दूसरा रास्ता कि आप बेड़ो से लोअर दग्गा होते हुए घाघरा निकल सकते हो, और जो तीसरा रास्ता है जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बेड़ो जाएंगे, बेड़ो से हम लोग सिसई जाएंगे और सिसई से हम लोग घाघरा निकलेंगे, और आगे चल के फिर ये रास्ता सिंगल हो जाता है जो कि थोड़ा सा ख़राब रास्ता है और छोटे छोटे पोटहोल्स हैं बीच में। सो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं बेड़ो, और यहाँ से मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ अगर आप यहाँ से चल जाते हो राइट तो आप लोअर दग्गा चल जाते हो, लास्ट टाइम भी मैं गया था तो यही रास्ता से गया था। सो पर मैं अभी राइट नहीं लेके मैं सीधे जा रहा हूँ। सो आगे में 2 जन हम लोग का वेट कर रहे होते हैं, तो उन लोग से मिलते हैं और फिर हम लोग राइट कंटिन्यू करते हैं। तो आगे में भाई लोग बोला था कि आगे जाके एक जंगल है लेफ्ट साइड में, वहीं पे है। सो वही हम लोग उन लोगों को खोजने का कोशिश कर रहे हैं, और भाई लोग काफ़ी देरी से वेट कर रहे होते हैं, लगभग 10 बजे से वो लोग यहाँ वेट करते हैं। वेट करते करते हम लोग यहाँ पहुँचते हैं 12:30-1 बजे तक, तो काफ़ी देरी वेट कर लेते हैं, तो इसलिए हम लोग इस राइड में इस बार टेंट भी लेके जा रहे हैं। टेंट का भी प्लानिंग है कि कहीं अच्छा लोकेशन दिखेगा तो टेंट भी लगाएंगे, तो इसलिए भाई लोग देखो यहाँ मिल गए हैं और टेंट वेंट लगा के लोग आराम से आराम आराम कर रहे हैं। सो ये है बोनी डॉन, नाम है बोनी, और तो जोना फॉल में हम लोग साथ में राइड किए थे, और ये उसका दोस्त, इसका भी नाम राहुल है। तो हमारी इस राइड में 2 राहुल हो चुका है, एक जो मेरे पीछे बैठा हुआ है और एक ये राहुल।
सो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जादू। 3, 2, 1। सो क्या सुंदर नज़ारा है, देखो पेड़ लगा हुआ है। सो रोड का बगल में ही था, हम लोग बोनी लोग यहीं पर वेट कर रहा था। सो हम लोग सिसई तक जाएंगे, सिसई से फिर हम लोग को लेना है राइट टर्न। हम लोग जो जा रहे हैं वो नेतरहाट जा रहे हैं, मतलब झारखंड का बोलेंगे तो हिल स्टेशन है। और मैंने लास्ट टाइम कवर किया था 2019 में, मैं नेतरहाट गया हूँ। दो बार मैं गया हूँ, एक बार बाइक से गया हूँ एनएस से, और एक बार कार से गया था मम्मी पापा लोग के लेके। तो इस बार मैं बहुत साल के बाद जा रहा हूँ नेतरहाट। सो देखते हैं आप लोगों को नेतरहाट में इस बार झारखंड की खूबसूरती को दिखाते हैं। अभी जैसे कि मेरा जो राइड चल रहा है वो झारखंड में ही चल रहा है, सोचे चलो झारखंड को ही अच्छा से एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो लंबा राइड का भी प्लान है, पर अभी फिलहाल क्योंकि झारखंड में घूमना है तो भाई ये मानसून एक नंबर है, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ है कि मैं अपने वीडियो से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि झारखंड भी हमारा कोई दूसरा स्टेट से कम नहीं है, मतलब नेचर ब्यूटी इतना है कि पूछो मत, बहुत है। तो इसलिए सोचा कि आदमी लोग देखो, अगर हम लोग लद्दाख बोलते तो एक माइंडसेट, एक इमेजिनेशन आ जाता है दिमाग में, लद्दाख हाँ पहाड़, मनाली या हिमाचल या सिक्किम बोलते हैं तो एक अलग से आ जाता है, या मेघालय बोलते हैं तो हाँ वहाँ का इमेजिनेशन आता है कि बहुत सारा वाटरफॉल है, पेड़ है, जंगल है। तो अगर ऐसे झारखंड का नाम लेते हैं तो कुछ आता नहीं है, सोचते हैं कि ओ गरीब स्टेट है, ऐसा बिहार से अलग हुआ है ऐसा वैसा। सो अपने वीडियो से मैं चाह रहा हूँ कि झारखंड को भी लोग अगर नाम ले झारखंड का तो उनके दिमाग में भी ऐसा इमेज बने कि हाँ झारखंड में भी बहुत हरियाली है, नेचर ब्यूटी बहुत है। चलो देखते हैं। सो देखो रोड का काम चल रहा है, 4 लेन इधर भी बन जाएगा गुमला तक, आने वाले दिनों में 4 लेन बन जाएगा, काम तो चल रहा है। सो आगे जाता हुआ बोनी जो हिमालयन में है, और पीछे राहुल बैठा हुआ है तो देख सकते हो। तो चलो देखो एक इस राइड की शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत तो हो चुका था, लेते अभी हम लोग का मीटअप प्लान था रांची में ही, पर अभी हम लोग बहुत लेट हो गया तो इसलिए अभी एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं अपनी सेफ जर्नी के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह, हम आते हैं एक बार और आपके नाम से, हम प्रार्थना करते हैं कि अभी जब हम लोग नेतरहाट जा रहे हैं, अभी हम लोग 4 लोग हैं, 2 बाइक है, हम लोग दोनों बाइक के आप संग हो लीजिए। जो भी हम लोग जाते हैं मार्ग में, हमारे हरे खतरों मुसीबतों दुर्घटनाओं से हमें बचाइए, किसी भी प्रकार से हमें कोई परेशानी ना हो। हम फिर से वापस आके हम पहुंच के आपको धन्यवाद को दे सकें, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अभी जो जगह पहुंचे ये है भरनो है, यहाँ से मैं अभी मैप देखा तो 103 किलोमीटर यहाँ से नेतरहाट बता रहा है, और रांची से लगभग 150-160 किलोमीटर बता रहा था। ऐसे रास्ता देखा हुआ है, मतलब ये रास्ता तो नहीं देखा हुआ है, सिसई होते हुए सिसई से जो घाघरा वाला रास्ता, वो रास्ता तो नहीं देखा हुआ है, घाघरा से फिर देखा हुआ है। सो आप लोग सोच रहे हो कि ये बैग, ये टैंक बैग नहीं है, ये बैकपैक है, लैपटॉप बैग। एक्चुअली मेरा भाई जो कज़न भाई है राहुल, उसका बैग है, और मेरा मैंने सैडल बैग भी इस बार नहीं लिया है। ऐसे तो 2-3 दिन का हम लोग का प्लान है राइड का इधर, और कुछ कुछ अननोन जगह है, अनएक्सप्लोर जगह, उस सबको आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा वीडियो में। सो आज मुझे इस राइड में सैडल बैग और टैंक बैग का कमी लग रहा है। थोड़ा सा सामान हो गया, पीछे बांधना पड़ा है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को, क्योंकि इस बार मैंने टेंट भी लिया है, टेंट का भी प्लानिंग है, कैंपिंग भी करना है। सो मेरा एक्चुअली जो टैंक बैग है और सैडल बैग है वो रामगढ़ में है, अभी मैं तो रह रहा हूँ रांची में। सो हम लोग जो जगह पहुँचे हैं, ये जगह का नाम है सिसई। सिसई से ही हमें राइट कटना है घाघरा के लिए, घाघरा आएगा फिर नेतरहाट आएगा आगे, और सिसई से एक और है, आप बायां जाते हो तो नौरतनगढ़ आप जा सकते हो। मैंने जब छत्तीसगढ़ वाला राइड में कर रहा था, छत्तीसगढ़ विशाखापट्टनम वाला, तब मैं गया था उधर नौरतनगढ़, एक बहुत पुराना किला है एक राजा का। सो यहाँ से देखिए 9.5 किलोमीटर नौरतनगढ़, नागवंशी राजाओं के किले का क्या लिखा भूला आ गया। तो आप जा सकते हो यहाँ से बायां, एक बार गूगल मैप देखना पड़ेगा। सो ये जो रास्ता दिख रहा है, देखो बड़ा सा मूर्ति दिख रहा है, हनुमान जी का है। यहाँ से कटना है हम लोग को, घाघरा आ जाएगा ये रास्ता। तो आप लोगों को यहाँ से कितना दूर जाना होगा?
मैं कितना होगा 85 किलोमीटर है यहाँ। हाँ इस रूट में नहीं मिलेगा, घाघरा के बाद मिलेगा। तो घाघरा 29 किलोमीटर है लिखा हुआ, गुमला 55, इधर से भी गुमला जा सकते हो, नेतरहाट 85, ठीक बोले थे 85। वो लोग आगे चल गया था। कहाँ चल जाते हैं सर। फर्स्ट टाइम मैं इस रास्ता में आ रहा हूँ जो सिसई से घाघरा का रास्ता है, पर रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम, और गाड़ी भी इसमें थोड़ा कम चलता है। चलते देखिए रास्ता में हमें कहाँ मिल गया है, ऊँट मिल गया है, ऊँट देख रहे हो कहाँ दादा। सब बच्चे लोग देखने के लिए जा रहा ऊँट। हमको याद आ रहा बचपन में हम लोग भी जब छोटे थे, हम लोग का घर तरफ भी हाथी वाथी कभी कभी कोई कोई लेके आता था, तो हम लोग भी निकलने के लिए एकदम रोड में जाते थे दौड़े दौड़े। एक बार खाली हल्ला हो जाता था, अरे हाथी आइलो रे हाथी चला देखे। छोटा सा बाजार लगा है बाजार, और जो ये सीजन अभी चल रहा है ये मानसून का सीजन है, और अभी रोड में देखो मुझे दिख रहा है ये जो वाइट वाइट आप लोगों को भी दिख रहा होगा, देखो ये दोनों तरफ है, देखो कितना सारा है यहाँ, काशी का फूल बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा दिखता है एकदम। एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था धुरवा डैम में, वहाँ तो और ज़्यादा है, तब लगता है कि बर्फ गिरा हुआ है। राइट साइड में एक छोटा सा पठार पहाड़ दिख रहा है, देखो गोप्रो में तो छोटा ही दिखेगा और छोटा दिखेगा, पर ये होता कि नया नया जगह आने से नया नया अच्छा अच्छा लोकेशन दिखता है। देखो इधर भी पेड़ है, फुटबॉल ग्राउंड है, मस्त दिख रहा है, और यहाँ से देखो जंगल शुरू हो रहा है, तो वाह क्या नज़ारा है, ऑसम। पता नहीं कौन नदी है ये। सो यहाँ पर से अगेन मेरा गोप्रो हो जाता है फ्यूज, मतलब मेरा ऑडियो नहीं आता फिर से गोप्रो में। सो ये जो नदी है जो आप लोग देख रहे हो ये है साउथ कोयल नदी है। तो लास्ट वीडियो में आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम गए थे हेवन हिल्स, और पूरा वहाँ पर फॉगी फॉगी था, जिस वजह से जो मेरा ड्रोन का लेंस होता है उसमें भी पूरा फॉग फॉग जम जाता है, इसलिए आपको इस ड्रोन फुटेज में आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, और आगे वाले एपिसोड में भी आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा नहीं दिखेगा। फिर आगे जैसे हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जो यहाँ से व्यू आता है ना, इस रोड का जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है, और एक व्यू हमें चलते चलते ऐसा दिखता है जहाँ हम अपने आप को रोक नहीं सकें, और एकदम उसको नज़दीक से देखने के लिए हम निकल पड़े इधर की ओर, और यहाँ पर हम थोड़ा देर ही रुकते हैं और यहाँ से फ़ोटो वोटो लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। सिसई से जो घाघरा वाला रास्ता है हमें एक बहुत बेहद खूबसूरत वाला नज़ारा दिखा, जैसे मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा था, नज़ारे तो है, तो हम रुक गए आ गए इधर, देखो मेरे पीछे देखो क्या ज़बरदस्त वाला नज़ारा है, और फर्स्ट टाइम आज मैं चेहरा भी आप लोग दिखा रहा हूँ, और इधर है बोनी भाई। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत मस्त। और इधर है देखिए, इधर दोनों राहुल है, एक तो राहुल भाई इसको तो दिखाए थे, मेरा कज़न भाई है, और इधर एक और राहुल है। सो अब आप लोग को इधर से ऐसे दिखाते हैं, देखो फिर हम आगे पहुंच जाते हैं घाघरा, और फिर यहाँ से जो नेतरहाट का डिस्टेंस बचता है वो 55 किलोमीटर बचता है, और आगे चल के बहुत ज़ोरों की हवा भी चलने लगती है, और फिर ये जो बोर्ड दिख रहा है, मैं याद करता हूँ कि 2019 में जब मैं आया था तो ये वाला बोर्ड लगा हुआ नहीं था, ये वाला नया बोर्ड लगा हुआ है। सो हमें राइट साइड में फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन दिख जाता है, जो हमें बेहद खुशी लगता है। फिर थोड़ा देरी के बाद हमें लेफ्ट साइड में भी कुछ माउंटेन दिख जाता है, तो देख के हमें बहुत खुशी लगता है कि हमें माउंटेन दिखना शुरू हो गया है, मतलब अब हम घाटी चढ़ने वाले हैं कुछ देर में। और ये जो पहाड़ दिख रहा है इसको ऐसे पांच पांडव पहाड़ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें तीन बड़े बड़े चोटियाँ हैं और दो छोटे छोटे चोटियाँ हैं आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा ये पहाड़ को नज़दीक से देखते हैं, यहाँ से आपको अच्छा से दिखेगा, और कभी भी ये पहाड़ देखो तो आप समझ जाओ इसके बाद से आपका घाटी शुरू होने वाला है, नेतरहाट की घाटियाँ। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं बनारी, बनारी में हमसे मिल जाता अश्विन भाई,
अश्विन भाई जो हमें सुबह इस राइड में ज्वाइन करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कारण के वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाते और लेट से रांची से निकलते हैं और हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। और ये जो नदी है नॉर्थ कोयल नदी है, और जो पहले वाला जो नदी था वो साउथ कोयल नदी था। ये जो रास्ता है देख लो, एक रास्ता इधर राइट कट रहा है, इस रास्ते को अच्छा से पहचान लो। इस रास्ते के बारे में फिर से हम बाद में बात करेंगे और राइड भी करेंगे उस रास्ते में भी। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ उस समय। फिर हमें घाटियाँ शुरू हो जाती है और हम सुंदर वादियों में बाइक राइड करते करते नज़ारों का लुफ्त उठाते हैं, अपना राइड इंजॉय करते हैं। इस बार मैं देख रहा था कि बीच बीच में बहुत सारे CRPF के जवान लोग भी थे घाटी के बीच बीच में, या एक एक किलोमीटर पर खड़े थे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं नेतरहाट का जो मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट चल जाओगे तो महुआडाड़ पहुंच जाओगे, और सीधे चल जाओगे तो मेन नेतरहाट। और हम लोग पहुंच जाते हैं नेतरहाट। नेतरहाट का ये छोटा सा मार्केट है, झारखंड की गौरव। नेतरहाट में आपका स्वागत है। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं नेतरहाट, जिसको नेतरहाट का एक और नाम है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए, हम लोग ने रूम आज ले लिया। वैसे आज हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग अपना प्लान के अकॉर्डिंग एकदम नहीं चले। आज हम लोग टोटल किलोमीटर कवर किया रांची से, मतलब नेतरहाट में भी इधर उधर होटल पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा, तो 172 किलोमीटर। लेकिन आप अगर रांची से नेतरहाट डायरेक्ट आते हो जिधर से हम लोग हैं, तो आपका 163 किलोमीटर पड़ेगा, 160 के करीब आपका पड़ेगा। सो कल का प्लानिंग है, कल हम लोग अच्छा आप लोग का राइड दिखाएंगे, कल थोड़ा एडवेंचर वाला राइड भी आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा ऑफ रोड, और जो नेतरहाट में जो थोड़ा अनएक्सप्लोर जगह है, अनसीन जगह है, वो सब आप लोग को दिखाएंगे। वाटरफॉल है, 2-3 वाटरफॉल है, वो सब आप लोग को दिखाएंगे। सो ये होटल जो हम लोग को पड़ा, हम लोग को 800 में ये होटल पड़ा है, पाँच लोग हम लोग रुके हैं। अश्विन भाई भी बाद में हम लोग को ज्वाइन कर लिए थे, आप लोग से मिलवाए थे। सो अश्विन भाई का भी कुछ सुबह में प्रॉब्लम हो गया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था जी बताओ? मेरा गाड़ी ना खराब हो गया था, पूरा बारिश में हम धक्का देते हुए अपना घर तक पहुंचे, और गलती यहाँ हुआ कि हम अपना फोन छोड़ के गए थे। तो आप लोग ने बड़ी फोन किया, मैं देखा कि कितना मिस कॉल था, 25 मिस कॉल था टोटल। तो इसके लिए यार सॉरी रहेगा, लेकिन आके तो गाली गलौज सुने, वो चीज बात कोई गाली गलौज नहीं किया। बस ये फोन नहीं उठा रहा था, हम लोग को लगा कि सब प्लानिंग था कि सुबह यहाँ हम लोग को 9 से 10 के बीच में नेतरहाट पहुंच जाना था। आज हम लोग नेतरहाट घूमते, आज हम लोग के यहाँ रुकने का भी प्लान नहीं था, हम लोग का प्लान था कि महुआडाड़ में रुकते। अश्विन हम लोग को आज कैंपिंग करवाने वाले थे, इसलिए हम लोग टेंट भी सब लेके आए हैं। सो चलो कल आप लोग को दिखवाएंगे, देखते हैं अगर एक दिन अब लगता है डिले हो जाएगा घर पहुँचने में, देखते हैं कल परसों हम लोग 2 दिन अभी रहेंगे, मतलब ये भी राइड जो चलेगा 2-3 दिन चलेगा, थोड़ा अनएक्सप्लोर वाला जगह आप लोग को दिखाएंगे, थोड़ा सा आप लोग का लद्दाख और जंस्कार वाला फील भी आप लोग को मिलेगा, और यहाँ वाला संदकपुर वाला भी फिर मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बोनी भाई गया है अभी नहाने गया है, बाकी है इधर राहुल है, एक राहुल इधर बैठा हुआ है, और अश्विन है कैमरा के पीछे है, दूसरा राहुल है, मैं हूँ, ये रहा होटल हम लोग का। सो चलो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते कल की सफर में।